अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं गार्डन। और आज मैं जो ग्रो करने वाला हूँ वो है इंडियन शूट। ये रेड कलर के जो है इसमें फ्लावर निकलते हैं कलियों की सूरत में, और जो इसके पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन और शाइनी रहते हैं इसके पत्ते। ये लिली के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ ज़्यादातर जो है इसमें रेड कलर पाया जाता है, हालाँकि इसके दूसरे फ्लावर के कलर भी मिलते हैं। तो मैं इसके बीज लेकर आ गया था, तो अभी इसको हम ग्रो करेंगे इस बड़े से पॉट में। ये मेरे पास इसी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये सारे बीज जो है हम इसी में ग्रो करेंगे, और जब इस अच्छी खासी इनकी ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। वैसे तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसको पहले कुछ घंटों के लिए पानी में डिप करें और उसके बाद जो है इनको किसी पॉट में लगा दें, लेकिन मैंने इनको भिगोया नहीं है, जस्ट मैंने ला के रखे हुए थे। इनमें से आप कुछ देखें तो ब्राउन शेड में है और कुछ बिल्कुल ब्लैक हैं, तो ये देखने की वो मसला नहीं है, लेकिन सभी ग्रो हो जाएंगे ये। तो हम इसको वन बाय वन जो है वो अपने पॉट में लगाएंगे। पहले इनको इसी तरह स्प्राउट कर देते हैं, अब इसको वन बाय वन हम दो दो इंच के गैप, दो दो इंच जो है मिट्टी के अंदर गहराई में लगाएंगे। इस तरह ये बीज लिया और इसको इस तरह प्रेस कर दिया। ये बकिया बीज भी हम लगा देंगे। इनको थोड़ा करीब फासले से लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इसमें और ज़्यादा जगह बची नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा पॉट है, लेकिन दो दो इंच के बाद भी जो है इसमें अब जगह बची नहीं है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर अब लेयर करेंगे मिट्टी की। मिट्टी जो है वो आपने ज़्यादा नहीं डालनी है, दो दो इंच का ही गेप रखना है, बस दो इंच गहराई हो बहुत है, इससे ज़्यादा आप नहीं रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा रखेंगे तो मुमकिन है कि वो गल कर बीज जो है वो ख़त्म हो जाए, स्प्राउट ना करें। हाथों से चाहें तो हाथों से इसको थपक सकते हैं, वगरना किसी टूल से आप जो है इसको एक जैसा कर लें मिट्टी को, ताकि पानी जो है वो एक जगह जाके जमे नहीं। अब इसको पानी देंगे। पानी आप किसी भी मेथड से दे सकते हैं, शावर से दे तो ज़्यादा अच्छा है, शावर से नहीं दे सकते किसी बोतल में होल करके इससे पानी दे दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं बोतल से ही, जो मैंने होल किए हुए बोतल में, उसी से जो है मैं इसको पानी दूंगा। ये लीजिए, जो बीज पानी डालने के बाद नज़र आ जाए उसको दोबारा से आप मिट्टी में डिप कर दीजिए, वरना वो उसको हवा लगेगी और वो फिर स्प्राउट नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारा मेथड हो गया, अब देखते हैं इनकी जर्मिनेशन कितने दिनों में स्टार्ट होती है, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो लीजिए, हमने जो लिली की प्लांट लगाए थे वो कितने अच्छी तरह इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। 19 दिन का टाइम लगा है, लेकिन इनकी जो रेड है, जर्मिनेट रेड है, बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं हॉल, यहाँ से भी एक पौधा निकलेगा अभी, और ये दो तीन चार पाँच छः पौधे ऑलरेडी जर्मिनेट हो चुके हैं, बाकी अभी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। और जैसे ही ये जर्मिनेट होंगे तो सब इसी गमले में मैं लगे रहने दूंगा, इनको ट्रांसप्लांट इतनी जल्दी हम नहीं करेंगे, लेकिन इनको दिखाएंगे कि कितने ज़्यादा जो है वो जर्मिनेट होते हैं। हमने बीज तो बहुत सारे लगाए थे, लेकिन इस तरफ कोई बीज हमारा स्प्राउट नहीं किया। यहाँ पे जो है इस कोने पे भी स्प्राउटिंग नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी वो भी हो जाएगी। तो आप जब तक हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो हमने इंडियन लिली के जो प्लांट लगाए थे उनको आज पूरा महीना हो गया है। तकरीबन हमने ये 5 मार्च को लगाए थे और आज जो है 4 अप्रैल है। तो अब हम जितने भी हमारे प्लांट ग्रो हुए हैं, तकरीबन ये 15 प्लांट हैं, तो अब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे अपने पॉलीथीन शॉपर में, और जैसे ही इनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो फिर हम इनको दूसरी जगह पर रिपोर्ट कर देंगे या फिर सेल आउट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनको निकाल लेते हैं। ये कोने में पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, इससे इनकी डेप्थ का अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी जड़ें किस तरह नीचे डेवलप होती हैं। ये देखिए,
तो इसकी जड़ें गहराई में नहीं जाती बल्कि नोडल एरिया से निकल के नीचे चारों तरफ फैलती हैं। तो यानी ये जल्दी मरने वाली चीज़ नहीं है, या हमें रिपोर्ट करते में ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसी तरह दूसरे प्लांट भी निकाल लेते हैं। तो हमने अपने गमले से सारे पौधे निकाल दिए और ये कुछ बीज हैं जो मुझे निकालते में ये मिल गए, तो ये स्प्राउट नहीं हुए, तो उनको भी हम इसी गमले में डाल देंगे। मे बी ये जब भी स्प्राउट करेंगे तो हम इनको दोबारा से रिपोर्ट कर लेंगे। तो अब इसको हटा देते हैं, अब इसका काम ख़त्म हो गया। तो अब हम रिपोर्ट करेंगे। तो शॉपर में हमने ज़्यादा मिट्टी नहीं भरी है, हाफ मिट्टी ही भरी है। तो अब हम इसमें जो है अपना प्लांट ट्रांसप्लांट करेंगे। इसके साथ अगर जड़ों के साथ कुछ मिट्टी लगी रहे तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर लगी रहेगी तो पौधा कम सर्वाइव करेगा और जल्दी ग्रोथ करेगा। तो कोशिश करें मिड में रखें ट्रांसप्लांट करते हुए। अभी इसके ऊपर थोड़ी हम और मिट्टी डालेंगे। ये मैं मिट्टी ले लेता हूँ जो कि मैंने अभी बनाई है इनके लिए, रेतीली मिट्टी है, इसमें कोई कंपोस्ट वगैरह मैंने मिक्स नहीं की है। जब ये अपनी ग्रोथ दोबारा स्टार्ट करेंगे तब हम इनको फिर खाद देंगे। अभी ये मैंने बिल्कुल भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया। ये हो जाने का देन आप इसको थोड़ा सा पटकेंगे ताकि जो एरेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम इसको पानी दे देंगे। तो चलिए बकिया भी अभी ऐसे कर लेते हैं फटाफट। तो हमारे सारे लिली के प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांट हो गए। अब हम इनको एक एक करके पानी दे देंगे, और जैसे जैसे इनमें अगर मिट्टी कम होती जाएगी तो हम इसमें ऊपर से और मिट्टी डाल देंगे, क्योंकि जो अभी एरेशन है वो अभी हमारे पटकने के बाद भी पानी के साथ और होगा तो पानी के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे मिट्टी अभी कम होती जाएगी तो हम इसमें और मिट्टी ऐड करेंगे। तो पानी भी अब सब में लग गया है एक एक करके। एक दफ़ा में आपने पानी भरपूर देना होता है और उसके बाद आपने तब पानी देना होता है जब मिट्टी जो है वो ड्रेन हो गई हो। अगर चे नहीं हुई तो आप पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि वो ड्रेन ना हो, सूख ना जाए ऊपर से, उस वक्त तक इसमें पानी ना दें। जब सूख जाए उसके बाद पानी दें। अब जैसे ये एक पौधा है इसमें जो है मिट्टी कम हो गई है, ये देखिए, तो इसमें मैं अभी और मिट्टी ऐड कर दूँगा और इसको और पानी दे देंगे तो इसकी ग्रोथ दोबारा से जल्दी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।